हेलो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे जो है पावर एमसीक्यू का जो सीरीज़ है आपका कंटिन्यू है। ये जो है आपका लेक्चर नंबर सेकंड है, पार्ट वन। आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। ये जो सीरीज़ है ऑल इंडिया लेवल पे है, जितने भी JEE के एग्ज़ाम होते हैं ऑल इंडिया यहाँ पे इस सीरीज़ में क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। तो जैसा कि आप पूरे ऑल इंडिया में 100+ एग्ज़ाम को ये जो सीरीज़ है कवर करेगा, चाहे आप जिस भी स्टेट के हो, नो मैटर। तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग जो है 10,000 MCQ का ये सीरीज़ है, जिसमें अभी हम लोग बेसिक को ही फोकस कर रहे हैं। टॉप 1,000 क्वेश्चन अगर बेसिक का हो जाता है, फिर हम किसी अदर टॉपिक को यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। तो जिनको इन दोनों का सोल्यूशन चाहिए वो लोग भी जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। आप हमारे ऑफिशियल साइट पे भी विजिट कर सकते हो, जॉब अपडेट, पेपर बुक, बहुत सारी चीज़ आपको ऑफिशियल साइट पे हमारे मिल जाती हैं। टेलीग्राम से आप हमसे जुड़ सकते हो, किसी भी अपडेट जो है बहुत फास्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन आप लगाते हैं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड, हम लोगों स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर में आपका 2020 का ही क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग UPSC AE का एग्जाम देंगे उनके उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जस्ट वन सेकेंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है, देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अब आप ये सोचो कि एक ही साथ बहुत ज़्यादा मतलब हायर लेवल के ही क्वेश्चन स्टार्ट हो, नहीं हो पाएगा ना। मिक्स मिक्स क्वेश्चन ही मिल पाएंगे आपको, ठीक है। तो जिससे एक लोअर बच्चा भी देखेगा तो मतलब उसके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, और एक हायर रेंज का भी बच्चा देखेगा तो उसके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो आपका 0 to मतलब पूरा का पूरा एक लोअर टू हायर रेंज का क्वेश्चन मिलेगा, आप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। और जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पता है कि सभी के सभी जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अदर आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग। कैलकुलेट करना है हमें V1 फॉर द सर्किट गिवन द बिलो। ये हमारे पास सर्किट दिया गया है और यहाँ पे हमें V1 का रिप्रेजेंट मान बताना है हमें यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे भी आप V1 देख सकते हो, यहाँ पे भी आपका V1 है, ठीक है। तो किसी भी सर्किट किसी भी तरीके से जो है आपको इजिली, अच्छा इसमें आप KVL इजिली जहाँ पे आपको KVL लगा के यहाँ पे निकालना है V1 को आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा आपको, पहले इसको थोड़ा सा हटा लिया जाए। देखो ये सब के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये जो है क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारी करंट है, यहाँ से जो 2 एम्पेयर की जो करंट है, हम मान लेते हैं कि एक करंट हमारी इस साइड जाएगी और दूसरी करंट जो है हम मान लेते हैं इस साइड जाएगी, ठीक है। तो हम इस वाले सर्किट में जो करंट होगा I बराबर होता है V/R होता है, यानी V का मतलब यहाँ पे इजिली हम यहाँ पे जो वोल्टेज है V1 है, तो आप V1 ले लो। और रेजिस्टेंस कितना है आपका, 3 ओम है, तो हम यहाँ पे 3 ओम ले लेते हैं, ठीक है। तो यानी इस सर्किट में जो करंट होगी V1/3 होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना होगा आपका, V1/3 होगा। देखो मैं सॉल्यूशन इजिली बहुत ही धीरे धीरे कराऊंगा और बहुत ही डीपली कराऊंगा, ठीक है। बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको ये होगा कि यार थोड़ा सॉल्यूशन फास्ट हो, मतलब तो देखो लेवल सबका एक नहीं है, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, तो सबको लेके चलना है, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि एक बार क्वेश्चन अगर इजिली समझा दिया जाए किसी भी कैंडिडेट को तो इजिली वो नेक्स्ट टाइम उतना गलती नहीं करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइम मैनेज से नहीं प्रॉब्लम होता है आपको, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करंट का कितना हो गया, आपका V1/3 हो गया। तो कैसे हम लोगों ने करंट निकाला आपको इजिली यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जब इस ब्रांच में जो है V1/I3 करंट फ्लो हो रही है, तो इजिली यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना होगा, 2 - V1/3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस नोड पे आपका टोटल कितना एम्पियर करेंट आ रही है, 2 एम्पियर की करेंट आ रही है। तो हमने इस वाले सर्किट में करेंट जो निकाला है वो आपका V1/3 है, ठीक है। तो इस वाले सर्किट इधर करंट अगर आप निकालना चाहोगे तो इजिली कितना हो, इधर जो करंट होगा वो 2 एम्पियर इस नोड पे आ रही है। तो यहाँ पे आपका KCL यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। KCL का मतलब आने वाली करंट और जाने वाली करंट इक्वल होती है। तो 2 एम्पियर की करंट जो है आ रही है और जा कितना रही है, तो 2 - V1/-3 करिएगा, तो इस साइड का करंट आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
अब ये जो करंट आ रही है कुछ इस तरीके से आके यहाँ पे आके इधर अब डिवाइड होगी, ठीक है, और इधर V1 जो करंट आ रही है ये भी नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो V1, यहाँ पे जो करंट आ रही है वो कितना आ रही है, V1/3 आ रही है, और इधर से जो करंट आ रही है वो आपका कितना आ रहा है, V1 आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, KCL जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो दोनों करंट क्या होगा, मिक्स हो रहा है, यानी V1/3 और प्लस V1, ये दोनों क्या हो रहा है आपका, मतलब जुड़ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3×3 यानी 4V1/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ का जो करेंट होगा, यहाँ का करेंट, ये वाली जो करेंट होगी वो 4V1/3 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये करेंट आपकी आ गई। अब हमें देखो, हम लोगों ने ऊपर वाले ब्रांच में यहाँ पे और यहाँ पे करंट फाइंड आउट कर लिया। अब इजिली हमें यहाँ पे KVL अप्लाई करना है, ठीक है। चलो कलर पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले में क्या हमें अप्लाई करना है, KVL। तो यहाँ पे जो है KVL अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो KVL अप्लाई हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर KVL देखिए तो यहाँ से आप चलिए स्टार्ट करिए, V1 हो जाएगा आपका और माइनस ये आपका जस। तो यहाँ पे देखो KVL अप्लाई करते हैं भाई, ठीक है। इधर से देखो यहाँ पे ये प्लस है और ये आपका माइनस है, ठीक है। लोअर नहीं, हायर टू लोअर पोटेंशियल पे आप जा रहे हो तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है आपका, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस V1 ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे, इसके बाद यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपका प्लस होगा और यहाँ पे आपका माइनस होगा। हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यानी करंट जो है हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, यानी प्लस से माइनस होगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे आपका माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है वो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो करेंट कितना हो रही है, करेंट करेंट आपका यहाँ पे टोटल आ रहा है 4V1/3 आ रहा है ना, और 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ड्रॉप होगा, ड्रॉप कितना होता है भाई, ड्रॉप का मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉप, V/I×R। तो यहाँ पे आपका करंट कितना है, पहले तो रेजिस्टेंस आपका 5 ओम है और जो करंट है वो आपका 4V1/3 है ना, ये आपका ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब हम जब डायरेक्शन हमने ये रिप्रेजेंट किया हुआ है और हमारी इधर से जो करंट आ रही है कुछ इस फॉर्म में आ रही है ना, तो अब हम जो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होना चाहिए, लेकिन हम करेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ये आपका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिधर करेंट इंटर करती है हम उसको प्लस रिप्रेजेंट करते हैं और इस साइड जो है माइनस रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि करेंट कभी भी लोअर टू नहीं, हायर टू लोअर ही फ्लो होता है ना। 5 वोल्टेज है और 3 वोल्टेज है तो करेंट इधर ही फ्लो होगी ना, उल्टा नहीं फ्लो होगा आपका। तो हमारा जो होगा, अगर इधर से हम देखेंगे तो ये प्लस होगा ये माइनस, लेकिन हम इधर से कंसीडर कर रहे हैं तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, लेकिन हम करेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो चिन्ह होगी, पोलरिटी जो होगी वो आपका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें ड्रॉप जो होगा माइनस लेना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव ड्रॉप लेंगे, ठीक है। तो ये आपका साइन कन्वर्जेशन आना चाहिए, आई थिंक साफ भी रहा होगा बहुत लोगों को। तो यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है भाई, और करेंट आपका कितना है, आपका करेंट है 2-V1/3 है आपका, ठीक है। देखो नेटवर्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्यूशन कराने में टाइम लगेगा क्योंकि एक एक यहाँ पे नोट पॉइंट सारी चीज़ों को कंसिडर करना होता है। तो ठीक है, जिनको जल्दी बाजी होगी क्वेश्चन की तो वो लोग बाद में देख सकते हैं वीडियो को, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या है, सबको लेके चलना है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आज चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो देखो इसको पूरा इक्वेशन बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस V1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 ओम को 20V1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2×4 2V1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा मतलब पूरा एक सॉल्यूशन कर लीजिएगा इक्वेशन बना के, ठीक है। इक्वेशन बना के यहाँ पे सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका V1 का जो मान आएगा ना वो 12/25 आ जाएगा आपका, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन। तो इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर 2020 का ही क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप कितना है, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है। कुछ करना ही नहीं था, बस आपको करंट यहाँ पे देखना था, उसके बाद डायरेक्ट KVL अप्लाई करना था, ठीक है। KVL के लिए तो हमें पता ही ना कि वोल्टेज और नहीं वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, जिससे हमें क्या चाहिए, करंट और रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस को आपको ऑलरेडी दिया है, सिर्फ आपको करंट ही निकालना था KCL लगा के। तो हमने सिर्फ KCL अप्लाई किया, फिर उसके बाद KVL अप्लाई किया, इजिली हमने फाइंड आउट कर लिया ना। तो बहुत ही मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिया है कि ये सिंगल फेज 230 वोल्टेज 1 किलोवाट हीटर है जो आपका कनेक्टेड है अक्रॉस द सिंगल फेज 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की सप्लाई से थ्रू द डायोड, डायोड के थ्रू कनेक्ट है भाई, ठीक है। डायोड का बिहेवियर जो है यूनिलेटरल होता है भाई, ठीक है। बाइलेटरल मतलब करंट की डायरेक्शन बदलोगे तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएगी, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। कैलकुलेट द पावर डिलीवर टू द हीटर, ठीक है। हमारे पास एक डायोड है और एक हमारे पास हीटर है भाई, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको सप्लाई देने वाले हैं। अभी डायोड की रेटिंग कुछ भी नहीं दिया है, आई थिंक हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता है। जो हीटर है आपका, ये आपका हीटर है, इस हीटर की जो रेटिंग है वो आपका 230 वोल्ट और 1 किलोवाट आपका हीटर की रेटिंग दिया गया है। डायोड को दिया गया सिंगल फेज की सप्लाई है भाई, 230 वोल्ट है आपका और 50 हर्ट्ज आपका सप्लाई है। कितना पावर डिलीवर होगा हीटर को, ठीक है। यहाँ पे जो पावर जाएगा वो हीटर के थ्रू किया, मतलब हीटर के पास कितना पावर हमें यहाँ पे मिलने वाला है, ये चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो आप लोग जो है कमेंट करते रहिएगा, मतलब जो भी आपको मतलब ऑप्शन जो भी लगे, ठीक है। तो आप अपना खुद का मतलब सॉल्यूशन आप पहले कर सकते हो, करके अगर आता है तो अच्छी बात है, बाकी तो सॉल्यूशन मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो है हमें हीटर का जो है हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हीटर है, हीटर का हम रेजिस्टेंस जो है पी बराबर वी स्क्वायर अपन आर से निकालने वाले हैं, ठीक है। पी बराबर वी स्क्वायर आर का फार्मूला होता है, जहाँ पे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए वी स्क्वायर अपन पावर हो जाएगा। वी स्क्वायर का मतलब वोल्टेज कितना है आपके पास इसके अक्रॉस, 230 है, और आपका पावर कितना है भाई 1 किलोवाट है, तो 1000 में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। और यहाँ से आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिएगा तो 52.9 ओम आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आ गया, और यहाँ पे जो हीटर का जो वोल्टेज होता है वो वी आर एम एस होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, और हीटर के अक्रॉस जो आर एम एस वोल्टेज है वो ऑलरेडी आपको 230 वोल्टेज आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे जो है आपको पता है कि जो डायोड होता है पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस में होगा, रिवर्स निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा रिवर्स में होगा ना, एक ही साइड पे वो कंडक्ट करेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज पावर होगा वो कंसीडर यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे हीटर जो पावर यहाँ पे होगा मैक्सिमम का 2 टाइम्स होगा, मतलब आधा होगा, ठीक है। एवरेज में कंसीडर करेंगे यानी पूरे मैक्स का हम लोग आधा करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वी मैक्स चाहिए, यानी हीटर की रेटिंग हमें यहाँ पे पहले वी आर एम एस बराबर होता है वी मैक्स बाई अंडर रूट 2 होता है ना, तो हम यहाँ से वी मैक्स निकालेंगे। वी मैक्स निकालने के लिए वी आर एम एस इंटू अंडर रूट 2 चाहिए। वी आर एम एस आपको 230 वोल्टेज हीटर का दिया गया है, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 होता है, इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो 325.22 वोल्ट आपका यहाँ पे होगा वी मैक्स वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कितना डिलीवर्ड होगा पावर, ये हमें यहाँ पे निकालना है हीटर को, ठीक है। इसका तो हम लोग को समझ गया ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड में होगा और निगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स में होगा। तो अब यहाँ पे चलो निकाल लेते हैं डिलीवर्ड जो पावर होगा, ठीक है। डिलीवर्ड जो पावर होगा वो आपका वी मैक्स का मैंने बताया कि जैसा कि आधा कर लेंगे, ठीक है, वही फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। डाउट मत होना, बी पी बराबर वी स्क्वायर अपन आर यूज़ किया है। यहाँ पे जो वोल्टेज हमने यूज़ किया मैक्स का बाई 2 ले लिया है, क्योंकि एवरेज पावर का कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो अब बना लेते हैं इस चीज को हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर ले पहले। वी मैक्स कितना भाई आपका 325 है 0.22, इसका स्क्वायर करिएगा और इसका, ठीक है, इसका स्क्वायर करिएगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4 हो जाएगा ना, तो 4 को नीचे लेगा कर ले, मतलब नीचे लिख लीजिएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया था आपका 52.9 किया था। तो यहाँ पे जो आपका डिलीवर पावर होगा वो आप निकाल लीजिएगा, टोटल यहाँ पे आपका डिलीवर्ड जो पावर होगा वो 499.844 के अप्रॉक्स आएगा, यानी लगभग हम यहाँ पे मान सकते हैं कितना आएगा 500 वाट, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही है भाई, ये भी क्वेश्चन कोल इंडिया एम टी
ऑल इंडिया एसएसए में यही एग्जाम होता है भाई, ठीक है। वहाँ पे 2020 में ही क्वेश्चन बना था, फरवरी में एग्जाम हुआ था, इसी ध्यान दीजिएगा, 2020 में फरवरी में एग्जाम हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये सब क्वेश्चन आपको भी करना चाहिए, जेई के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है, ए के लिए तो देखो ये क्वेश्चन है ही, लेकिन जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर ए में बना है तो कन्फर्म है कि जेई में भी बहुत पॉसिबिलिटी होती है बनने की। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे देखो कोल इंडिया एमटी, ये भी 2020 में ही पूछा गया था, फरवरी में आपका जो एग्जाम हुआ था इसी में पूछा गया था। डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर सेपरेट बाई द 50 सेंटीमीटर एयर एंड कैरिंग द करेंट इतना सेम द डायरेक्शन एंड द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये बोला है कि दो पैरेलल कंडक्टर हैं, ठीक है। पहला केस मान के चल रहा है, ये केस नंबर फर्स्ट मान के चल रहा है कि करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और सेकेंड केस हम मान सकते हैं कि करंट का जो सेकेंड केस हम मान सकते हैं, एक के करंट की डायरेक्शन अब उल्टा है, मतलब ठीक है। तो जब करंट की डायरेक्शन सेम होगा तो यहाँ पे जो है आकर्षण बल लगेगा ना, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। करंट की डायरेक्शन रिवर्स है तो यहाँ पे रिपल्सन टाइप का फोर्स होगा, यानी दो टाइप के यहाँ पे फोर्स आपका काम करेगा। और जो वैल्यू होगा ना भाई, वैल्यू जो होगा वो आई थिंक वैल्यू जो होगा वो आपका सेम होगा, एक चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। बस यहाँ पे डायरेक्शन बदल जाता है लेकिन फोर्स आपका सेम होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। छोटा सा एमसीक्यू यहाँ पे बनाया जा सकता है कि करंट की डायरेक्शन अगर दो पैरेलल कंडक्टर में सेम हो और रिवर्स कर दिया जाए तो फोर्स का डिफरेंस कितना होगा। तो भाई कुछ नहीं होगा ना, चेंज ही नहीं होगा। तो यही है, नेक्स्ट लेवल समझ सकते हो आप इसको, ठीक है। जो भी गुप्ता मैंने जब कराया हुआ है तो बहुत सारे नेक्स्ट लेवल उसमें दिया हुआ है। तो मेरा यही मानना यार कि जो क्वेश्चन सामने होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन डिजाइन ना करके इसी चीज़ से क्वेश्चन आपका बैकग्राउंड में सेटअप होता है, वही क्वेश्चन आपको उठ के सामने आ जाता है ना। तो जो फोर्स की वैल्यू होती है भाई वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ आपका अट्रैक्शन टू रिपल्सन फोर्स में डिफरेंस आता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका चेंज नहीं होता है। दो पैरेलल कंडक्टर हैं, इनका लेंथ कितना है, 1 मीटर आपका लेंथ है इसका, और 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसको सेपरेट किया गया है। करेंट कितना फ्लो हो रहा है भाई, 30 एम्पियर की करेंट आपका फ्लो हो रहा है ना। तो चलो यहाँ पे हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स का देखो फार्मूला छोटा सा होता है, म्यू ज़ीरो आई वन आई टू टू पाई और डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस है। तो इसी फार्मूले को आप और भी शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। 2×10^-7 और यहाँ पे आई वन आई टू अपन डी इंटू लेंथ। यहाँ से देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, छोटा छोटा डिटेल मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब कोई बताता नहीं है, लेंथ बढ़ाने से आई थिंक फोर्स आप समझ सकते हो, और यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। इसी में आपको क्वेश्चन दे के उठाता है कि अगर हम वायर का रेडियस या डाया चेंज करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा फोर्स पे। तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेवल अगर यहाँ से उठाया जाए तो बहुत सारे 10 से 10 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे आराम से, ठीक है। मैंने अभी फोर्स के मैग्नीट्यूड का बताया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स में डिफरेंस आता है आपका, ठीक है। डाया होया को चेंज करिएगा रेडियस को तो आपका इफेक्ट नहीं होगा, मटेरियल को भी चेंज करिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। बहुत सारे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, तो इन सारी चीज़ों पे आपको कंसीडर करना है ना। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं आपके। तो चलो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। जो फोर्स है 2×10^-7 रख लो, करेंट I1 और I2 है, यानी हमारे दोनों करेंट सेम है। तो दोनों में अगर इसमें भी 30 एम्पियर है और इसमें भी 30 एम्पियर है, ठीक है। I1 I2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डिस्टेंस कितना है भाई, 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है यार, तो 50×10^-2 ले लो, इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है 50×10^-2, हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेंथ आपका कितना है, लेंथ आपका मीटर में है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेंथ हमें मीटर में ही चाहिए, 1 मीटर रख लो आपको, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो फोर्स आपका, ठीक है, मैंने तो कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो इसको आप जो है कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब पे टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। यहाँ पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 0.36 × 10^-3, ठीक है, न्यूटन होगा भाई, ठीक है। इतना न्यूटन हो जाएगा। तो ये आपका जो फोर्स है, अभी हम लोगों ने केस फर्स्ट के लिए निकाला था,
तो ये आपका कौन सा फोर्स होगा? आपका ये अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। ये आपका कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। अब ये वाला जो केस नंबर टू है, इसके लिए जो फोर्स की वैल्यू होगी ना, वो भी सेम ही होगी भाई, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यही तो एमसीक्यू बनता है आपका यहाँ से उठा के, ठीक है। न्यूमेरिकल से बहुत सारे थ्योरेटिकली एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं आपके, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स होगा भाई वो कैसा लगेगा? आपका रिपल्सन फोर्स, ठीक है। अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें यही क्वेश्चन आपका डाया और रेडियस पे पूछा गया था, और एक क्वेश्चन ये आपका आंध्र प्रदेश के क्वेश्चन में जो है मटेरियल्स पे यहीं पे क्वेश्चन उठ के आया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन देखो, जितने भी ऑल इंडिया में क्वेश्चन एग्जाम होते हैं ना, अगर आप उसको करते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको किसी भी एग्जाम को एक लेवल को समझने में और टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। तो इसलिए मैंने देखा, पेपर देखता रहता हूँ, इसलिए मैंने आपको इजली बता दिया, क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी है क्या क्वेश्चन बन सकता है नहीं बन सकता है, ये सब पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो आप बुक पढ़ रहे हो ना, एग्जामिनर को भी पता है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए वो आपसे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ही सोचते हैं, जितने भी अच्छे लेवल, मतलब जो रेपुटेटेड पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे UPPCL हुआ, RBNL हुआ, इन सबों का पेपर आप देखते भी होगा कितना कितना अच्छा आता है, चाहे आप UPPSC का भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं भाई, ठीक है। चलो भाई, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ए सीरीज RLC सीरीज सर्किट है, ठीक है, सीरीज सर्किट है जिसमें R है, L है और आपका C है, ठीक है। RLC सीरीज सर्किट है भाई, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आपका 50 ओम है, इंडक्टेंस की वैल्यू 0.01 हेनरी है, और कैपेसिटेंस जो है 100 पिको फैरेड है। हम यहाँ पे जो है AC वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं भाई, कितना वोल्टेज है? 200 वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, 200 वोल्टेज अप्लाई करना है ना हमें, 200 वोल्टेज अप्लाई करना है, और यहाँ पे हमें क्वालिटी फैक्टर बताना है रिजोनेंस के कंडीशन में, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला तो आई थिंक सबको सबको पता होगा, क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है 1/R अंडर रूट L/C से, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर। और इसी में एक आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का भी उठा के पूछता है, बहुत ज़्यादा लोग बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है, अंडर रूट LC में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है भाई, ठीक है। ये सब कन्फ्यूजन जितना आप देख सकते हो फार्मूलों को, उतना देखोगे तो कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है। यही छोटे छोटे पॉइंट जो है एग्जाम में नंबर कटवाते हैं, और दिमाग भी डिस्टर्बेंस हो जाता है कभी कभी इन सारे फार्मूलों से छोटे छोटे। तो ये फार्मूला है, क्वालिटी फैक्टर निकालना है, यहाँ से आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ले लो, अंडर रूट L की वैल्यू कितना है आपका 0.01 हेनरी है, कैपेसिटेंस कितना है 100 पीको फैरेड, पीको को नॉर्मल बदल लो तो 10^-12 हो जाएगा, ठीक है। पीको को नॉर्मल बदलोगे, पीको का मतलब होता है आपका 10^-12, ठीक है, बस ये समझो। तो यहाँ पे देखो 10^12 हो गया यार, और यहाँ पे इसको इसको कर लेना, इसको 1/85 रखो, और इसको जो है इसको अंडर रूट 0.01 रखना। यहाँ पे देखो 2 जीरो है ना, और यहाँ पे 10^-12 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10^2, और इसको कैंसिल आउट करिएगा तो 10^-10 बच जाएगा ना। तो ऊपर 100 से गुणा करना यार, और नीचे भी 100 से गुणा करना, तो ऊपर 1 हो जाएगा, और नीचे जब 100 को करोगे तो 10^8 हो जाएगा, ठीक है। 8 का आपका वर्गमूल निकाल लेना, और 50 में इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर आएगा आपका 200 बनेगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा, बहुत इजी है, ठीक है, 200 आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग, अगला यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LMRC असिस्टेंट मैनेजर में, ये क्वेश्चन आपका 2020 में देखने को मिला था भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लगाता हूँ आई थिंक समझ लो कि वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है क्वेश्चन के आने की। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया है, फॉर द नेटवर्क शो इन द गिवन फिगर फाइंड द इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इन द इम्पीडेंस, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लो, जस्ट वन सेकेंड यार, यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस है, और यहाँ पे हमें यहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस है, ठीक है। देखो क्वेश्चन का लेवल आपका वही है जो क्वेश्चन एग्जामिनर मतलब बना हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हायर रेंज क्वेश्चन हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मतलब जितने भी आप एग्जाम दे रहे हो ना, AJEE और इसी टाइप के एक्सेप्ट कर सकते हो, 100% इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, बनते भी हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे इसको ध्यान दीजिएगा। मैं उस लेवल का क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा जो टाइम कंज्यूमिंग हो एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इस चीज़ को मुझे भी ध्यान रखना है। तो देखो, फॉर द नेटवर्क शो इन द गिवन फिगर फाइंड द इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इन द इम्पीडेंस, इनपुट जो आपका इम्पीडेंस हमें यहाँ पे कुल मिला के इनपुट इम्पीडेंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है।
तो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है तो आउटपुट से तो हमें मतलब नहीं है भाई, ठीक है? ठीक है, आउटपुट को उतना कंसीडर नहीं करना हमें। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे इनपुट आपका टोटल टोटल ये मान लो एक तरीके का ओपन है, ठीक है? ओपन है तो यहाँ पे हम आउटपुट नहीं ले सकते इस 2 ओम के क्रॉस, इसको हमें क्या करना होगा, निगलेक्ट करना होगा ना। तो यानी ये जो सर्किट होगी कुछ इस फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है भाई? तो ये हमारी सर्किट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जेड इनपुट आप यहाँ पे रख लो, ठीक है? और यहाँ पे आपका वैल्यू उतना ही है, 2 ओम है, और ये आपका 1 ओम है, और ये भी आपका 2 ओम है, और ये भी आपका 1 ओम है, ठीक है? 2 ओम और 2 ओम कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल 3 ओम हो जाएगा, ठीक है? इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी फॉर्म में, 2 ओम रख लो और ये हो जाएगा आपका 1 ओम। इसको जब आप सीरीज में करिएगा तो ये हो जाएगा टोटल 3 ओम। जेड इनपुट यहाँ से निकाल लो, देखो 3 और 1 आपका पैरेलल में है, तो पैरेलल में 3 और 1 है तो ऊपर गुणा कर दो और नीचे जोड़ कर दो, ऊपर 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है? यानी ये दोनों आपका किस में है, समांतर में है, तो यह 3/4 हो जाएगा। यानी अब इसको आगे अगर बढ़ाते हो तो ये 2 ओम होगा और यहाँ पे जो होगा वो आपका 3/4। यानी अब ये दोनों किस में हो गए भाई, सीरीज में हो गए, तो दोनों अब सीरीज में हो गया ना। तो यहाँ पे सीरीज में जो होगा वो आपका इनपुट इम्पीडेंस बराबर 2+3/4 आपका सीरीज में होगा, 4 2 8 हो जाएगा, 8 3 11, ठीक है? 11/4 हो जाएगा। यानी इनपुट इम्पीडेंस कितना होगा, 11/4 आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया नहीं है, यानी इसको और थोड़ा सा ब्रेक करिएगा तो 4 2 8, ठीक है? 2.75 ओम आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये वाला नेगलेक्ट कर लेंगे भाई, क्योंकि ओपन हो जाएगा इधर, हमें इधर से मतलब है अगर, ठीक है? इनपुट इम्पीडेंस यहाँ पे पूछा गया था तो हम यहाँ पे इस फिगर में जो है आउटपुट साइड में जो ओपन होगा तो ये आपका उतना कंसीडर नहीं होगा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं हम लोग। द इंड्यूस ईएमएफ इन द यंग टर्न, कोई हमारे पास यंग टर्न है, ठीक है? और यहाँ पे यंग टर्न का क्वायल है जिसमें हमारा ये फार्मूला कुछ दिया है, माइनस साइन का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? देखो माइनस साइन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आपका लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी कंजर्वेशन तभी होगा जब आप किसी चीज़ का अपोज करिएगा, ठीक है? अगर आप दो फ्रेंड हो, ठीक है, दोनों फ्रेंड के बीच में एनर्जी आपका यूटिलाइज तभी होगा जब आपका मतलब कुछ डिस्टर्बेंस हो आपके बीच का, ठीक है? सपोज जैसे ये मान लो कोई क्वायल है और ट्रांसफार्मर ही मान लो, और जैसे यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करोगे यहाँ पे करेंट फ्लो होगी, करंट जैसे ही फ्लो होगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न होगा, और नंबर ऑफ टर्न में जब करंट फ्लो कराओगे तो यानी 2I बराबर यानी टोटल हमारा MMF बन जाएगा, और किसी भी मैग्नेट सर्किट में हमारा रिलक्टेंस होगा है तो फाइ बराबर होता है आपका MMF अपॉन रिलक्टेंस। जैसे जैसे रिलक्टेंस के साथ MMF वैरी करेगा ना, वैसे हमारा फ्लक्स क्या होगा, वो आपका वैरी करेगा, ठीक है? और जब फ्लक्स ही वैरी करेगा यानी टाइम के साथ चेंज होगा तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा भाई, EMF इंड्यूस होगा, ठीक है? ये रेट आप चेंज होना चाहिए तभी EMF इंड्यूस हमारा होगा, ठीक है? तभी तो हम बोलते हैं ना कि जब हमारा कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रेट ऑफ चेंज या लिंकेज कर रहा है तो हमारा EMF इंड्यूस होगा ना। अगर ये EMF इंड्यूस होता है तो खुद का ये फ्लक्स सेटअप करता है, ठीक है? जब EMF इंड्यूस होगा खुद का फ्लक्स सेटअप करेगा तो यहाँ पे हम इसे बैक EMF बोलते हैं, ठीक है? तो बैक EMF का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारा DC मोटर वोटर में, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है ना, तो स्टार्टिंग में स्पीड 0 होने का मतलब बैक ईएमएफ भी 0 होता है ना, जिससे हमारा पूरा टोटल जो 230 वोल्टेज आप दे रहे हो ना मोटर पे वो पूरा का पूरा अप्लाई हो जाता है ना, एक ओम रेजिस्टेंस होने के कारण पूरा का पूरा वोल्टेज जो है वो करेंट के फॉर्म में अप्लाई हो जाता है, जिससे डैमेज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी होती है ना। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जब डीसी मोटर पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देख लेना और मिला लेना क्वेश्चन का लेवल, और किस तरीके से मतलब सॉल्यूशन का भी लेवल मिला लेना, और टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हो मतलब कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो सब भी मिला लीजिएगा, ठीक है? तो वेट करिए थोड़ा सा, अभी तो आपका बेसिक ही चलने दीजिए, ठीक है? तो ये आपका नंबर ऑफ टर्न या माइनस साइन का आपने समझ लिया भाई, ठीक है? माइनस साइन का मतलब बैक ईएमएफ इसको अपोज करेगा ना, जो आपका सप्लाई वोल्टेज है अपोज नहीं करेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा, और बहुत ज़रूरी होता है अपोज करना ना, तो डैमेज हो जाएगी आपकी टोटल टोटल वाइंडिंग, ठीक है? इसीलिए हम ट्रांसफार्मर पर DC अप्लाई नहीं करते, वहाँ पर बैक ईएमएफ 0 हो जाता है आपका, ठीक है? ट्रांसफार्मर में DC अप्लाई नहीं करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा, ठीक है? तो ये आपका लेंज लॉ होता है आपका।
बाकी तो और कुछ यहाँ पे डिटेल नहीं है लेंस लॉ के थ्रू। देखो जितना भी हो सकता है क्वेश्चन बनता है नहीं बन सकता है वो सारा जो दिमाग पे आता है वो बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनते हैं जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल जो दिमाग पे आता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और आगे यहाँ पे चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। इफ एन इंडक्टर रियल इज कनेक्टेड इन द वन आर्म ऑफ ब्रिज आर रेजिस्टेंस आर। देखो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रिज है, जस्ट वन सेकेंड। ये आपका इंडक्टर है और ये आपका रेजिस्टेंस है, ये भी आपका एक रेजिस्टेंस है, ये भी आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। कुछ इस फॉर्म में ये बोला है भाई क्वेश्चन। और यहाँ पे मान लो डिटेक्टर लगा रहे हो या बैलेंस डिटेक्टर कुछ भी लगा रहे हो, ठीक है। बैलून मीटर है, बैलेंस कंडीशन में आपको पता ही है इसका रिफ्लेक्शन जीरो होगा। तो यहाँ पे देखो इफ एन इंडक्टर इज रियल इज कनेक्टेड इन द वन बाम, इंडक्टर जो है हमारा कनेक्टेड है एक भुजा पे, जो हमारा ब्रिज सर्किट है हमने एक भुजा पे इसको कनेक्ट कर दिया है। और जो रेजिस्टेंस है आर वन आर टू और आर थ्री जो है ये आपके कनेक्टेड है अदर थ्री आर्म पे, मतलब अलग तीन भुजा पे कनेक्ट है, हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट जो होगा वो आपका ट्रू होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। ब्रिज बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे जो है पी क्यू आर बाई एस होता है, ठीक है। तो पी बाई क्यू इंटू आर बाई एस इनका रेशियो जो होता है आपका 1:1 आना चाहिए, ठीक है। 1:1 है या फिर जो भी है, ठीक है, एकदम इक्वल आना चाहिए तभी हमारा बैलेंस होगा। इंडक्टेंस की वजह से यहाँ पे जो क्वांटिटी वेरिएबल होगा वो आपका डिफरेंस होगा, ठीक है। इस वजह से ये जो ब्रिज होगा वो आपका कैन नॉट बी बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो एलएमआरसी असिस्टेंट मैनेजर के ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, ये भी क्वेश्चन आपको मिला है देखने के लिए। चलो आगे यहाँ पे चलते हैं। अगला यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, जो नेट इंडक्टेंस होता है ऑफ द सर्किट शो इन द गिवन फिगर, नेट इंडक्टेंस कितना होगा भाई, ठीक है। नेट इंडक्टेंस यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास करंट आ रही है और यहाँ पे ये देखो डॉट पोलैरिटी यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे भी है डॉट पोलैरिटी, ठीक है। जब इधर से करंट आ रही है ना तो ये आपका प्राइमरी हो जाएगा और ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से करंट आ रही है तो इसके लिए इस वाइंडिंग के लिए ये प्राइमरी और इस वाइंडिंग के लिए ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। जब प्राइमरी प्राइमरी होगा तो आपको प्लस लेना है, सेकेंडरी सेकेंडरी होगा तो आपको तभी प्लस ही लेना है, प्राइमरी सेकेंडरी या सेकेंडरी प्राइमरी होगा तो आपको माइनस लेना है, ठीक है। ये छोटा सा टेक्निक है, टेक्निक है मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। टोटल जो इंडक्टेंस होता है वो आपका एल वन प्लस एल टू प्लस माइनस टू एम होता है आपका, ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपकी वैल्यू एम में दिया है, मतलब वन दिया है, यानी एम की वैल्यू नहीं दिया, चलो ठीक है। बस फार्मूला यहाँ पे कंसीडर करना है, यल इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे बताना है भाई, ठीक है। तो यहाँ से जब करेंट इंटर करेगी तो यहाँ पे जो डॉट पोलैरिटी रिप्रेजेंट किया गया है वो प्राइमरी साइड है, और सेकेंड कॉइल के लिए जो डॉट पोलैरिटी रिप्रेजेंट किया गया है वो भी आपका प्राइमरी के साइड ही है। यानी यहाँ पे टोटल क्या होगा, यहाँ पे जो होगा मतलब इसको एडिंग टाइप का नेचर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड होगा यहाँ पे, और ये मतलब सेम एडिंग टाइप का होगा, ठीक है। और ये करंट अपोजिट हो जाएगी एक में, किसी एक वाइंडिंग में, या फिर एक पोलरिटी अपोजिट करोगे तो वो अपोजिंग नेचर का हो जाएगा आपका आपका, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे स्विच लगा के, यहाँ पे अगर और क्वेश्चन बनाना होगा तो यहाँ पे स्विच लगा के और आपका चेंज कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक चीज और ध्यान दे लो, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, अगर यही पोलरिटी यहाँ पे दिया है और ये यहाँ पे है, किसी एक की पोलरिटी अगर मान लो इस पहले वाले किसी एक कॉइल का पोलरिटी अगर डॉट चेंज करते हो, इसका कर लो या उसका, तो उस कंडीशन में इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा आपका, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलो भाई, तो यहाँ पे देखो ये पूरा सीरीज ही आपका जब नेटवर्क का है तो क्वेश्चन तो नेटवर्क के मिलेंगे ही, अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखना कितने अच्छे अच्छे नेटवर्क के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जो आपको मतलब कहीं मिलेगा ही नहीं देखने को। आप जे बी गुप्ता भी सॉल्यूशन किए होंगे, ठीक है, तो उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे। जस्ट वन सेकेंड यार, चलो यहाँ पे देखना है हमें। चलो जस्ट वन सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग पहले।
तो देखो वीडियो अगर पसंद आता है ना तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से मोटिवेशन बनता है। और ये भी देखो क्वेश्चन एलएमआरसी असिस्टेंट मैनेजर का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फादर नेटवर्क शो इन द गिवन फिगर फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको यहाँ पे बताना है थ्रू द टर्मिनल ए और ए इंटू बी, ये ए है और ये आपका बी है, थेवेनिन रेजिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। आरटीएच आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो आरटीएच देखो आपको यहाँ पे इजिली अगर फाइंड आउट करना है तो आपको करेंट सोर्स को ओपन करना होगा, ठीक है। करेंट सोर्स को ओपन करो, वोल्टेज सोर्स को हमें क्या करना होता है, शॉर्ट करना होता है ना, तो ये आपको ये वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट कर दो ऐसे, और करेंट सोर्स जो है इसे ओपन कर दो, ठीक है। ये आपका ओपन, अब मैं सर्किट यहाँ पे बना रहा हूँ। वोल्टेज सोर्स को हमने क्या किया भाई, शॉर्ट कर दिया है, और ये आपका ये रेजिस्टेंस है आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये आपका 10 ओम का है, और यहाँ पे जो है ये आपका 10 ओम का है, और करेंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया है, और इक्विवेलेंट आप यहाँ पे ले लीजिए। और यहाँ पे कहाँ ए और बी के बीच बताना था ना, देखो ये ए और बी क्या है, ये आपका एक तरीके का लोड है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लोड को भी क्या करना होता है, हटाना होता है, या फिर लोड को हमें क्या करना होता है, ओपन करना होता है ना। तो लोड को हम यहाँ पे ए और बी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका ओपन होगा, और हम यहीं से जो है जहां से हमने ओपन किया है यहीं से हम इक्विवेलेंट आरटीएस को देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आरटीएस देखते हैं। आरटीएस देखने के लिए जैसे आप इस कदम पे कदम मिलाएंगे ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पे 10 ओम में तो कोई डिफरेंस नहीं है भाई। यहाँ पे आपका देखो यहाँ से दो भाग में आप इधर जा रहे हो और इधर जा रहे हो ना, यानी इससे पता ये चल रहा है कि जहाँ पे पैरेलल, मतलब जहाँ पे आप डिवाइड हो रहे हैं ना वहीं पे आपका जो सर्किट होता है वो पैरेलल हो जाता है ना। तो यहाँ पे 5 और 10 कैसा है भाई, आपका पैरेलल में है। तो पैरेलल में मैंने बताया कि ऊपर गुणा कर दो और नीचे जोड़ कर दो, ठीक है, ये पैरेलल में हो जाएगा। और ये 10 ओम जो है ये आपका रिजल्टेंट इसके साथ, मतलब इस इन दोनों के साथ ये सीरीज में हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 × 50 और 15 + 10, ठीक है, पूरा 15 × 15 = 50 + 10 = 65 × 15 = 64, ठीक है। तो यहाँ पे करिएगा 5 से काटिएगा, 13 × 5 = 15, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। या फिर इजली रुको यार जस्ट वन सेकेंड, यहाँ से जो है 5 से भाग दे दीजिएगा ना, यहाँ पे 5 × 15 हो जाएगा, और ये 5 से भाग दोगे तो 10 हो जाएगा ना, यानी ये होगा 10/3 और ये +10, और यहाँ से करिएगा तो 10 × 30, और यहाँ पे करिएगा 10 × 30 और 10, 40 × 3 ओम हो जाएगा आपका, ठीक है। पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 40/30 ओम, ठीक है। देखो क्वेश्चन लेवल मिलेगा अच्छा, ठीक है। जो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनको ये सब आता होगा, मैम तो हूँ मैं, अच्छी बात है, लेकिन यार देखो सबको लेके चल रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा भाई पेशेंस करो, लोअर क्वेश्चन को भी हैंडल करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सब भी क्वेश्चन देख ही रहो, एलएमआरसी असिस्टेंट मैनेजर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जिनको भाई नेटवर्क अगर जिनका स्ट्रांग होगा थोड़ा सा वेट करिएगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें कोई आपका डाउट नहीं होगा, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। ट्रांजिएंट हुआ, बहुत सारे टू पोर्ट नेटवर्क, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, क्योंकि 1000 क्वेश्चन है इस सीरीज में, तो आई थिंक आप समझ ही रहे हो, मतलब इस सीरीज में तो टोटल 10,000 है, लेकिन फिलहाल बेसिक चल रहा है तो 1000 अप्रॉक्स क्वेश्चन जाएगा आपका। यहाँ पे देखो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बताना है इस फिगर में, ये 200 पिको फैरेड और 200 पिको फैरेड ये आपका कनेक्टेड है सीरीज में। तो जब हमारा कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो उसे हम आधा कर लेते हैं, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में हम, मतलब अगर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो R1 + R2 लेते हैं, और पैलर में होता है तो 1/R1 कुछ इस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। ये आपका सीरीज कनेक्शन और ये आपका पैलर, लेकिन कैपेसिटर में जस्ट आपका उल्टा हो जाता है, ठीक है। कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो वन बाई सी वन प्लस वन बाई इस तरीके लेंगे, और पैलर में है कैपेसिटेंस तो ये हो जाएगा C1 + C2 होगा। ये तो छोटी चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही होगा। चलो डायरेक्ट अब मैं निकाल के यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपका, 200 200 है सीरीज में जुड़ा है, जस्ट ये आपका हो जाएगा आधा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 100 पिको फैरेड, ठीक है। ऊपर 100 है, बीच वाला कितना हो गया आपका 100 हो गया, नीचे कितना है आपका C4 कितना, ये आपका 100 दिया गया ना, यानी रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस होगा कुछ इस फॉर्म में आपका कन्वर्ट होगा,
देखो भाई मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता, आपको पता ही है कि सबको लेके चलना है यहाँ पे, ठीक है, सबको, क्योंकि ये लोअर टू हायर सबके लिए बेनिफिट हो कराना है इस सीरीज़ को। तो आपका देखो 100 100 100 3 हो गया, आपका पहलर में हो गया भाई, ठीक है। तो ये आपका पहलर में हो गया ना, देखो ये कितने भाग, कितना पहलर है, मतलब 1 2 3 तीन पहलर है ना, जितना पहलर है उतना से भाग दे दो, ठीक है। यहाँ पे टोटल छोटा सा, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया, छोटा सा मिस्टेक है भाई, छोटा सा, ठीक है, रुक जाओ, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है ना, थोड़ा सा मैं मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ पे डाउट ये हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है। इसको जब आप ऐसे फैलाओगे ना, इधर फैलाओगे, तो ये जो आपका जो C4 है, यानी जो 100 पिको फैराड है ना, कुछ इस साइड में आके यहाँ पे कनेक्ट होगा ना, ये छोटी सी गलती हो गई भाई, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ये सब एग्जाम में काफी ज्यादा मतलब होता है, पॉसिबिलिटी, चांसेस बनते हैं आपके कि ये गलती हो, 100 पिको फैराड हो गया। आप यहाँ पे देखो ये सही है, ठीक है आपका, तो अब ये 100% सही है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये प्लस मान सकते हो, और यहाँ पे वोल्टेज आपका माइनस होगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे 300 वोल्टेज आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो ना, 100 और 100 जब पैलर में होंगे तो रिजल्टेंट कितना होगा आपका, 200 होगा ना, जुड़ जाएगा ना, पैलर में होगा तो क्या होगा आपका, जुड़ जाएगा, 200 पिको फैरेड होगा। अब ये 200, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, इसको रिजल्टेंट फिर से हम लोग बना लेते हैं। ये आपका 100 पिको फैरेड होगा और ये आपका 200 पिको फैरेड होगा, ठीक है, दोनों सीरीज में है। तो आपको क्या करना है, सीरीज के लिए ऊपर गुणा कर दो और नीचे जोड़ कर दो, ठीक है। तो ऊपर टोटल कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका कुछ इस फॉर्म में, नीचे हो जाएगा 300, ठीक है, 2 शून्य से 0 कट जाएगा, यानी 200/3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका बी, ठीक है, 200/3 पिको फैराड होगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, LMRC असिस्टेंट मैनेजर में ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, 2020 का ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपी में एग्जाम होता है आपका LMRC का, जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं वो पता होगा, ठीक है। अभी अभी हर जगह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये मत सोचिएगा सिर्फ यूपी का ही क्वेश्चन है, अभी आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सभी क्वेश्चन अभी देखेंगे, मिलेंगे, थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि क्वेश्चन का आई थिंक पता है ना, 10,000 MCQ है, तो बहुत सारे टाइम है आपके पास, क्वेश्चन का लेवल और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस एक साइड साइड के तौर पे ये सीरीज देखते रहिए, बेनिफिट करेगा आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, इन द नेटवर्क, इन द नेट नेटवर्क सो इन द गिवन फिगर फाइंड द करेंट थ्रू द R3, R3 में हम यहाँ पे करेंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नोडल एनालिसिस लगाते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे नोडल अगर लगाते हैं, चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे इसका वोल्टेज V है, और इस यहाँ पे KCL अप्लाई करते हैं, नोडल लगाने से पहले हमें KCL देखना होता है। हम मान लेते हैं यार इस नोड से हमें एक करेंट इधर जा रही है, एक करेंट इधर जा रही है, और एक करेंट हमारी इधर जा रही है ना, ये मान लो I1 जा रहा है, ये आपका I2 जा रहा है, और ये आपका I3 जा रहा है ना। तो KCL तो यही बोलता है, I1 I2 इन सभी का योग कितना होता है भाई, 0 होता है, चलो हम मान ही लेते हैं 0 है, ठीक है। I1 का मान आपको यहाँ पे निकालना है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना है आपका, ये नोड का वोल्टेज V है, और ये यहाँ का जो वोल्टेज है वो आपका 28 है, पोलरिटी देख लो प्लस है और ये माइनस है, तो लोअर टू हायर आप आ रहे हो, नहीं लोअर टू हायर आ रहे हो, नहीं यार सॉरी, हायर टू लोअर आ रहे हो ना, ये प्लस है और माइनस, हायर टू लोअर आ रहे हो, तो माइनस यहाँ पे यूज करेंगे हम, माइनस कितना होगा 28, रेजिस्टेंस कितना होगा हम यहाँ पे 4 ओम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि करेंट बराबर क्या होता है भाई, वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस ही तो होता है ना, तो वोल्टेज का हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया भाई, यहाँ पे ये वोल्टेज और यहाँ पे ये वोल्टेज, वोल्टेज का डिफरेंस लिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बीच में हमारा, बीच में इन दोनों के बीच का, दोनों पॉइंट के बीच का एक रेजिस्टेंस है 4 ओम, हमने 4 ओम को कंसिडर किया है। अब यहाँ पे प्लस रख लो, I2 को निकाल लो आप यहाँ पे, I2 कितना होगा आपका, इस नोड का वोल्टेज V2 है, नहीं V है, और रेजिस्टेंस आपका ये कितना है आपका 2 ओम है, तो चलो 2 ओम रख लेते हैं। इसी तरीके I3 आप निकाल सकते हो आपका यहाँ पे,
I3 के लिए हम यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पे आ रहा हूँ, मतलब ड्रॉप ड्रॉपिंग टाइप का लेना है, मतलब V माइनस 7 वोल्टेज आपको यहाँ पे लेना है, और इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो आपका 1 ओम है, और ये बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, 4, 2 और 1 का एलसीएम यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पे टोटल एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 का भाग दीजिएगा तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं यार। ठीक है, 2 का भाग 4 में दीजिएगा, 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर जस इसके ऊपर गुणा करिएगा 2V हो जाएगा, 1 का भाग 4 में दीजिएगा, 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 4V माइनस 7 चौको 28। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 4 का गुणा 0 में होगा तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपकी ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो आपकी बचेगी, और यहाँ पे V जितने भी V वाले पॉइंट है उसको कंसीडर कर लो, 4 और ये 2, 6 और ये 7। ठीक है, 7V हो जाएगा माइनस 78 और 28 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 56, और यहाँ पे होगा 0, 7V बराबर हो जाएगा आपका 56, और यहाँ पे V बराबर होगा 56/7, 7/56। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज कितना आ गया भाई, 8 वोल्टेज आ गया ना आपका। अब यहाँ पे रुक जाओ, अब यहाँ पे देखो यहाँ का जब वोल्टेज 8 आ गया और हमें यहाँ पे R3 में करंट पता करना था, R3 का मतलब यहाँ पे I3 वाली जो करंट है वो हमें यहाँ पे उठा के लाना है हमें। ठीक है, R3 का मतलब क्या हुआ, R3 किस में आ रहा है, जिसमें I3 जिस ब्रांच में करंट फ्लो रही है वहीं पे R3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे यार करेंट फ्लो था R3, मतलब ये I3 हमें निकालना है। ठीक है, तो I3 का मान टोटल कितना है भाई, ये आपकी I3 है। ठीक है, I3 आपका कितना है, V माइनस 7/1 है, हमें बी का वोल्टेज का मान तो पता चल गया ना 8 वोल्टेज, यही वोल्टेज आपको यहाँ पे लाके रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे तो V का मान कितना, 8 निकाला हमने, और 7 माइनस 7 कर लो और 1 ओम नीचे ही है, तो 8 में से 7 जाए 1 और 1 में 1 का भाग दोगे तो ये आपका 1 एम्पियर होगा ना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना होगा, डी होगा। तो चलो फ्रेंड आज सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा हुआ है, तो देखो जिनको जल्दीबाजी होगी थोड़ा सा यार पेशेंस रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, आई थिंक मुझे पता होगा बहुत लोगों का यहाँ पे नेटवर्क भी अच्छा होगा, तो थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। ठीक है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन सीरीज में मिलेगा, धीरे धीरे जो है अवेलेबल आपको मिलेगा। तो आज हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, आई थिंक कहीं ना कहीं आपको हर जगह मतलब हेल्प मिलेगा ही। तो चलो ठीक है भाई, चलो हाँ इस सेशन को रखते हैं, तो एक काम और करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। ठीक है, वीडियो बहुत ही डीपली, बहुत अच्छे लेवल में सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेवल में जाऊँगा तो और भी बहुत ही मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिएगा फ्रेंड के पास सर्कल में, और ये जो सीरीज है यार देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही का क्वेश्चन है तो ये मत सोचिएगा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई ये। ठीक है, ये आपका छोटा सा बहुत बड़े बहुत बड़ा डाउट हो जाएगा। ठीक है, यही में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना 10% नहीं 101-110% बोल रहा हूँ मैं कि वो जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन छोटे बहुत इसमें ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपके लोअर एग्जाम में भी आते हैं ना, तो उन कैंडिडेट के लिए भी क्या होगा आपका बेनिफिट होगा ना, तो जेई और एई के लिए तो बहुत ज़्यादा 100 या 200% बेनिफिट करेगा सीरीज। ठीक, बाकी अदर लोअर ब्रांच के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट करेगा, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अपर साइड है भाई। ठीक है, तो देखो कुल मिला के सबके लिए बेनिफिट है, तो इस सेशन को जो जितना हो सके शेयर करिएगा। ठीक है, शेयर करेगा, जितना शेयर करोगे उतना मोटिवेशन बनेगा। तो और भी ऐसे सीरीज अभी देखो 0 to Hero हमारा पेंडिंग में है। ठीक है, 0 to Hero सीरीज अभी हमारा पेंडिंग में है, उसको भी मैं जल्दी कंटिन्यू करूंगा। उसको अभी इसलिए होल्ड किया गया है क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके मिक्सर टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, तो मिक्सर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे ना, कंट्रोल सिस्टम का भी क्वेश्चन मिलेगा, माइक्रो प्रोसेसर, PLC, स्काडा, मतलब जो चीज़ आप नहीं सोच सकते वो सब मिलेगा। कुल मिला के बस इतना जानो। ठीक है, 0 to Hero सीरीज का नाम इसलिए रखा है कि बहुत छोटे भी क्वेश्चन होंगे और बहुत ही अपर लेवल के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आपके किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वो सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने के लिए, इसकी गारंटी है भाई। ठीक है, इसकी गारंटी है, जिस लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा 0 to Hero सीरीज में पूरे यूट्यूब में उस लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलो वेट करो उस टाइम तक। ठीक है, बस वीडियो को आप शेयर करो, मोटिवेशन बढ़ाते रहो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।